शिष्यों को दीक्षा देने की विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षिगण, अब मैं सब कुछ देने वाली दीक्षा का वर्णन करूंगा। कमलाकार मंडल में श्री हरि का पूजन करें, दशमी तिथि को समस्त यज्ञ संबंधी द्रव्य का संग्रह एवं संस्कार शुद्धि करके रख लें। नरसिंह बीज मंत्र शौम से 100 बार उसे अभिमंत्रित करके उस मंत्र के अंत में फट लगाकर बोलें तथा राक्षसों का विनाश करने के उपदेश से सब ओर सरसों छींटें। फिर वहां सर्वस्वरूपापात सर्वस्वरूपा प्रासाद रूपिणी शक्ति का न्यास करें। सर्वाषधियों का संग्रह करके बिखेरने के उपयोग में आने वाली सरसों आदि वस्तुओं को शुभ पात्र में रखकर साधक वासुदेव मंत्र से उनका 100 बार अभिमंत्रण करें। तदनंतर वासुदेव से लेकर नारायण पर्यंत पूर्वोक्त 5 मूर्तियों वासुदेव, संकर्षण, प्रदुम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण के मूल मंत्रों द्वारा पंचगव्य तैयार करें। और कुशाग्र से पंचगव्य छिड़क कर उस भूमि का प्रोक्षण करें। फिर वासुदेव मंत्र से उत्तान हाथ के द्वारा समस्त विकीर वस्तुओं को सबोर बिखेरें। उस समय पूर्वाभिमुख खड़ा हो मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 3 बार उस विकीर वस्तुओं को सब ओर छींटें। तत्पश्चात वर्धनी सहित कलश पर स्थापित भगवान विष्णु का अंग सहित पूजन करें। आर्डर सर। तत्पश्चात वर्धनी सहित कलश पर स्थापित भगवान विष्णु का अंग सहित पूजन करें। अस्त्र मंत्र से वर्धनी को 100 बार अभिमंत्रित करके अविचिन्न जलधारा से सींचते हुए उसे ईशान कोण की ओर ले जाएं। कलश को पीछे ले जाकर विकीर पर स्थापित करें। विकीर द्रव्यों को कुश द्वारा एकत्र करके कुंभेश और करकरी का यजन करें। पंचरत्न युक्त सर्वस्त्र वेदी पर श्री हरि की पूजा करें। अग्नि में भी उनकी अर्चना करके पूर्ववत मंत्रों द्वारा उनका संतर्पण करें। तत्पश्चात पुंडरिक मंत्र से उखा पात्र विशेष का प्रक्षालन करके उसके भीतर सुगंध युक्त घी पूत दें। इसके बाद साधक उसमें गाय का दूध भरकर वासुदेव मंत्र से उसका अवेक्षण करें और संकर्षण मंत्र से सुसंस्कृत किए गए दूध में धृताक्त चावल छोड़ दें। आर्डर सर। दूध में धृताक्त चावल छोड़ दें। उसके बाद प्रदुम्न मंत्र से करछुल द्वारा उस दूध और चावल का आलोडन करके धीरे धीरे उसे उलाटे पलाटे। जब खीर या चरू पक जाए तब आचार्य अनिरुद्ध मंत्र पढ़कर उसे आग से नीचे उतार दें। तदनंतर उस पर जल छिड़के और धृतात्लेपन करके हाथ में भस्म लेकर उसके द्वारा नारायण मंत्र से ललाट एवं पार्श्व भाग उसके बाद नारायण मंत्र से ललाट एवं पार्श्व भागों में ऊर्ध्व पुंड करें। इस प्रकार सुंदर संस्कार युक्त चरु के चार भाग करके एक भाग इष्ट देव को अर्पित करें, दूसरा भाग कलश को चढ़ावें, तीसरे भाग में अग्नि में 3 बार आहुति दें और चौथे भाग को गुरु शिष्यों के साथ बैठकर खाएं। इससे आत्मशुद्धि होती है। दूसरे दिन एकादशी को प्रातः काल ऐसे वृक्ष से दातन लें जो दूध वाला हो। उस दातन को नारायण मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर लें। उसका दंत शुद्धि के लिए उपयोग करके फिर उसे त्याग दें। अपने पातक का स्मरण करके पूर्व अग्निकोण, उत्तर अथवा ईशान कोण की ओर मुंह करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर शुभ एवं सिद्ध की भावना करके अर्थात मैं निष्पाप एवं शुद्ध होकर शुद्ध सिद्धि की ओर अग्रसर हुआ हूं ऐसा अनुभव करके आचमन प्राणायाम के पश्चात मंत्रोपदेष्टा गुरु भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा के पश्चात पूजा गृह में प्रवेश करें। प्रार्थना इस प्रकार करें, देव, संसार सागर में मग्न पशुओं को पाष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए आप ही शरणदाता हैं। आप सदा अपने भक्तों पर वात्सल्य भाव रखते हैं। देव, आज्ञा दीजिए, प्राकृत पाश बंधनों से बंधे हुए इन पशुओं को आज आपकी कृपा से मैं मुक्त करूंगा।
देवेश्वर श्री हरि से इस प्रकार प्रार्थना करके पूजा गृह में प्रविष्ट हूँ। गुरु पूर्ववत अग्नि आदि की धारणाओं द्वारा शिष्य भूत समस्त पशुओं का शोधन करके संस्कार करने के पश्चात उनका वासुदेवादि मूर्तियों से संयोग करें। शिष्यों के नेत्र बांधकर उन्हें मूर्तियों की ओर देखने का आदेश दें। शिष्य उन मूर्तियों की ओर पुष्पांजलि फेंके, तदनुसार गुरु उनका नाम निर्देश करें। पूर्ववत शिष्यों से क्रमशः मूर्तियों का मंत्र रहित पूजन करावे। जिस शिष्य के हाथ का फूल जिस मूर्ति पर गिरे, गुरु उस शिष्य का वही नाम रखे। कुमारी कन्या के हाथ से काता हुआ लाल रंग का सूत लेकर उसे 6 गुना करके बट दें। उस 6 गुने सूत की लंबाई पैर के अंगूठे से लेकर शिखा तक की होनी चाहिए। फिर उसे भी मोड़कर 3 गुना कर लें। उक्त त्रिगुणित सूत में प्रक्रिया भेद से स्थित उस प्रकृति देवी का चिंतन करें जिसमें संपूर्ण विश्व का लय होता है और जिससे ही समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ करता है। उस सूत्र में प्राकृतिक पाशों को तत्व की संख्या के अनुसार ग्रंथित करें, अर्थात 24 गांठ लगाकर उसको प्राकृतिक पाशों के प्रतीक समझें। फिर उस ग्रंथियुक्त सूत को प्याले में रखकर कुंड के पास स्थापित कर दें। तदनंतर सभी तत्वों का चिंतन करके गुरु उनका शिष्य के शरीर में न्यास करें। तत्वों का वो न्यास सृष्टि क्रम के अनुसार प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत होना चाहिए। 3, 5, 10 अथवा 12 जितने भी सूत्र भेद संभव हों, उन सब सूत्र भेदों के द्वारा बटे हुए उस सूत्र को ग्रथित करके देना चाहिए। तत्वचिंतक पुरुषों के लिए यही उचित है। हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत 5 अंग संबंधी मंत्र पढ़कर संपूर्ण भूतों को प्रकृति क्रम से, अर्थात कार्य तत्व का कारण तत्व में लय करके क्रम से तन्मात्रा स्वरूप में लीन करके उस मायामय सूत्र में और पशु जीव के शरीर में भी प्रकृति लिंग शक्ति कर्ता बुद्धि तथा मन का उपसंहार करें। तदनंतर पंच तन्मात्र बुद्धि कर्म और पंच महाभूत इन 12 रूपों में अव्यक्त द्वादशात्मा का सूत्र और शिष्य के शरीर में चिंतन करें। तत्पश्चात इच्छा अनुसार सृष्टि की संपात विधि से हवन करके सृष्टि क्रम से एक एक के लिए 100-100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति करें। प्याले में रखे हुए ग्रथित सूत्र को ऊपर से ढककर उसे कुंभेश को अर्पित करें। फिर यथोचित रीति से अधिवासन करके भक्त शिष्य को दीक्षा दें। करनी कैंची धूल या बालू खड़िया मिट्टी और अन्य उपयोगी वस्तुओं का भी संग्रह करके उन सबको अपने वाम भाग में स्थापित कर दें। फिर मूल मंत्र से उसका स्पर्श करके अधिवासित करें। तत्पश्चात श्रीहरि के स्मरण पूर्वक कुशों पर भूतों के लिए बलि दें और कहें नमो भूतेभ्य। इसके बाद चंदों कलशों और लड्डुओं से मंडप को सुसज्जित करके मंडल के भीतर भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर अग्नि को घी से तृप्त करके शिष्यों को पास बुलाकर बद्ध पद्मासन से बिठावें और दीक्षा दें। बारी बारी से उन सब का प्रोक्षण करके विष्णु हस्त से उनके मस्तक का स्पर्श करें। प्रकृति से विकृति पर्यंत अभिभूत और अधिदैवत सहित संपूर्ण सृष्टि को आध्यात्मिक करके, अर्थात सबको अपने आत्मा में स्थित मानकर हृदय में ही क्रमशः उसका संहार करें। इससे तन्मात्र स्वरूप हुई सारी सृष्टि जीव के समान हो जाती है। इसके बाद कुंभेश्वर से प्रार्थना करके गुरु पूर्वोक्त सूत्र का संस्कार इसके बाद कुंभेश्वर से प्रार्थना करके गुरु पूर्वोक्त सूत्र का संस्कार करने के अनंतर अग्नि के समीप आ उसको अपने पास ही रख लें। फिर मूल मंत्र से सृष्टिस के लिए 100 आहुतियां दें। इसके बाद उदासीन भाव से स्थित सृष्टिस को पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु श्वेतरज बालू हाथ में लेकर उसे मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित कर लें। फिर उसके शिष्य के हृदय पर ताड़न करें। उस समय वियोगवाची क्रियापद से युक्त बीज मंत्रों उस समय वियोगवाची क्रियापद से युक्त बीज मंत्रों एवं क्रमशः पादादि इंद्रियों से घटित वाक्य की योजना करके अंत में ओम फट का उच्चारण करें। इस प्रकार
पृथ्वी आदि तत्वों का वियोग कराकर आचार्य भावना द्वारा उसे अग्नि में होम दें। इस तरह कार्य तत्वों का कारण तत्वों में होम अथवा लय करते हुए क्रमशः अखिल तत्वों के आश्रय भूत श्रीहरि में सबका लय करते। विद्वान पुरुष इसी क्रम से सब तत्वों को श्रीहरि तक पहुंचाकर उन संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठान का स्मरण करें। उक्त रीति से ताड़न द्वारा भूतों और इंद्रियों से वियोग कराकर शुद्ध विशिष्ट उक्त रीति से ताड़न द्वारा भूतों और इंद्रियों से वियोग कराकर शुद्ध हुए शिष्य को अपनावें और प्रकृति से उसकी समता का संपादन करके पूर्वोक्त अग्नि में उसके उस प्राकृत भाव का भी हवन कर दें। फिर गर्भाधान जात कर्म भोग और लय का अनुष्ठान करके उस कर्म के निमित्त वहां 8-8 बार तदनंतर आचार्य पूर्णाहुति द्वारा शुद्ध तत्व का उद्धार करके अप्राकृत प्रकृति पर्यंत संपूर्ण जगत का क्रमानुसार परम तत्व में लय कर दे। उस परम तत्वों को भी ज्ञान योग से परमात्मा में विलीन करके बंधन मुक्त एवं जीव को अविनाशी परमात्म पद में प्रतिष्ठित करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष ये अनुभव करें कि शिष्य शुद्ध बुद्ध परमानंद संदोह में निमग्न एवं कृतकृत्य हो चुका है। ऐसा चिंतन करने के पश्चात गुरु पूर्णाहुति दें। इस प्रकार दीक्षा कर्म की समाप्ति होती है। अब मैं उन प्रयोग संबंधी मंत्रों का वर्णन करता हूं जिनसे दीक्षा होम और लय संपादित होते हैं, अर्थात भूतों को मुझसे अलग करो। इस मंत्र से ताड़न करने का विधान है। इसके द्वारा भूतों से वियोजन बिलगाव होता है। यहां वियोजन के दो मंत्र हैं। एक तो वही है जिसका ऊपर वर्णन हुआ है और दूसरा इस प्रकार है, मैं भूतों को अपने से दूर गिराता हूं। इस मंत्र से आपातन वियोजन करके पुनः दिव्य प्रकृति से यों संयोजन किया जाता है। उसके लिए मंत्र सुनो। अब होम मंत्र का वर्णन करता हूं, उसके बाद पूर्णाहुति का मंत्र बताऊंगा। ये होम मंत्र है और ये पूर्णाहुति मंत्र है। पूर्णाहुति के पश्चात तत्व में शिष्य को संयुक्त करें। विद्वान पुरुष इसी तरह समस्त तत्वों का क्रमशः शोधन करें। तत्वों के अपने अपने बीज के अंत में नमः पद जोड़कर ताड़नादि पूर्वक तत्व शुद्धि का संपादन करें। ये क्रमशः संयोजन और होम के मंत्र हैं। तदनंतर पूर्णाहुति का विधान है। इसी प्रकार उत्तरवर्ती कर्मों में भी प्रयोग किया जाता है। ये दीक्षा योग एक व्यूहात्मक मूर्ति के लिए संक्षेप से बताया गया है। नव व्यूहादिक मूर्तियों के विषय में भी ऐसा ही प्रयोग है। मनुष्य प्रकृति को दग्ध करके उसे निर्वाण स्वरूप परमात्मा में लीन कर दे, फिर भूतों की शुद्धि करके कर्मेंद्रियों का शोधन करें। तत्पश्चात ज्ञानेंद्रियों का, तन्मात्राओं का, मन बुद्धि एवं अहंकार का तथा लिंगात्मा का शोधन करके सबके अंत में पुनः प्रकृति की शुद्धि करें। शुद्ध व प्राकृत पुरुष ईश्वरीय धाम में प्रतिष्ठित है। उसने संपूर्ण भोगों का अनुभव कर लिया है और अब वो मुक्ति पद में स्थित है। इस प्रकार ध्यान करें और पूर्णाहुति दें। ये अधिकार प्रदान करने वाली दीक्षा है। पूर्वोक्त मंत्र के अंगों द्वारा आराधना करके तत्व समूह को समभाव प्रकृतवस्था में संभाव प्रकृतवस्था में पहुंचाकर क्रमशः इसी रीति से शोधन करें। अंत में साधक अपने को संपूर्ण सिद्धियों से युक्त परमात्म रूप से स्थित अनुभव करते हुए पूर्णाहुति दे। ये साधक विषयक दीक्षा कही गई है। यदि यज्ञोपयोगी द्रव्य का संपादन संग्रह न हो सके अथवा अपने में असमर्थता हो तो समस्त उपकरणों सहित श्रेष्ठ गुरु पूर्ववत इष्ट देव का पूजन करके तत्काल उन्हें अधिवासित करके द्वादशी तिथि में शिष्य को दीक्षा दे दे। जो गुरुभक्त विनयशील एवं समस्त शारीरिक सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान न हो तो वेदी पर इष्ट देव का पूजन मात्र करके दीक्षा ग्रहण करें। आदिदैविक आदिभौतिक और आध्यात्मिक संपूर्ण अधवा का सृष्टि क्रम से शिष्य के शरीर में चिंतन करके गुरु पहले बारी बारी से 8 आहुतियों द्वारा एक एक की तृप्ति करने के पश्चात सृष्टिमान हो वासुदेव आदि विग्रहों का उनके निज निज मंत्रों द्वारा पूजन एवं हवन करें और हवन पूजन के पश्चात अग्नि आदि का विसर्जन कर दें। तत्पश्चात पूर्वोक्त होम द्वारा संहार क्रम से तत्वों का शोधन करें।
दीक्षा कर्म में पहले जिन 8 सूत्रों में गांठें बांधी गई थीं, उनकी वे गांठ खोल लें। गुरु उन्हें शिष्य के शरीर से लेकर क्रमशः उन तत्वों का शोधन करें। प्राकृतिक, अग्नि एवं आदि दैविक विष्णु में अशुद्ध मिश्रित शुद्ध तत्व को लीन करके पूर्णाहुति द्वारा शिष्य को उस तत्व से संयुक्त करें। इस प्रकार शिष्य प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। तत्पश्चात गुरु उसके प्राकृतिक गुणों को भावना द्वारा दग्ध करके उसे उनसे छुटकारा दिलावें। ऐसा करके वे शिशु स्वरूप उस शिष्यों को अधिकार में नियुक्त करें। तदनंतर भाव में स्थित हुआ आचार्य भक्ति भाव से शरण में आए हुए यतियों तथा निर्धन शिष्य को शक्ति नाम वाली दूसरी दीक्षा दें। वेदी पर भगवान विष्णु की पूजा करके पुत्र शिष्य विशेष को अपने पास बिठा लें। फिर शिष्य देवता के सम्मुख हो तिर्यक दिशा की ओर मुंह करके स्वयं बैठें। गुरु शिष्य के शरीर में अपने ही परमों से कल्पित संपूर्ण अधवा का ध्यान करके आदि दैविक यजन के लिए प्रेरित करने वाले इष्ट देव का भी ध्यान योग के द्वारा चिंतन करें। फिर पूर्वत ताड़न आदि के द्वारा क्रमशः संपूर्ण तत्वों का वेदिगत श्रीहरि में शोधन करें। ताड़न द्वारा तत्वों का वियोजन करके उन्हें आत्मा में ग्रहित करें और पुनः इष्ट देव के साथ उनका संयोजन एवं शोधन करके स्वभावतः ग्रहण करने के अनंतर ले आकर क्रमशः शुद्ध तत्व के साथ संयुक्त करें। सर्वत्र ध्यान योग एवं उत्तान मुद्रा द्वारा शोधन करें। संपूर्ण तत्वों की शुद्धि हो जाने पर जब प्रधान प्रकृति तथा परमेश्वर स्थित रह जाएं, तब पूर्वोक्त रीति से प्रकृति को दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्यों को परमेश्वर पद में प्रतिष्ठित करें। श्रेष्ठ गुरु साधक को इस तरह सिद्धि मार्ग में ले चलें। अधिकारूढ़ गृहस्थ भी इसी प्रकार आलस्य छोड़कर समस्त कर्मों का अनुष्ठान करें। जब तक राग आसक्ति का सर्वथा नाश न हो जाए तब तक आत्मशुद्धि का संपादन करता रहे। जब ये अनुभव हो जाए कि मेरे हृदय का राग सर्वथा क्षीण हो गया है, तब पाप से शुद्ध हुआ संयमशील पुरुष अपने पुत्र या शिष्य को अधिकार सौंपकर माया महपाश को दग्ध करके सन्यास ले लें। आत्मनिष्ठ हो देहपात की प्रतीक्षा करता रहे। फिर सिद्ध संबंधी किसी चिन्ह को दूसरों पर व्यक्त न होने दें।